हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड कलेक्शन। तो फाइनली बॉलीवुड के महस महाराजा अजय देवगन की मूवी भोला को लेकर क्रिटिक्स ने एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया। वो दावा क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोला मूवी को लेकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है, चाहे वो पब्लिक में हो चाहे वो क्रिटिक्स में। और वहीं इसी क्रेज़ को देखते हुए बॉलीवुड के इंडिया सिनेमा के जो क्रिटिक्स हैं, जो जितेंद्र तेजा, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा दावा किया, उनका कहना है कि विल हैशटैग अजय देवगन एम फॉर 30 करोड़ ओपनिंग फॉर हैशटैग बोला क्वेश्चन मार्क हैशटैग मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, कि क्या अजय देवगन सर की मूवी भोला 30 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं, हैशटैग मुमकिन है, यानी कि मुमकिन है, हैशटैग जो दिया है उन्होंने मुमकिन है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि 2 मंथ रिलीज से पहले ही भोला मूवी के लिए जो क्रिटिक्स हैं उनकी भी जो ख्वाहिश है कि ये मूवी 30 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग ले। लेकिन ये बात मैं 110% कह सकता हूँ कि भोला सिर्फ 30 करोड़ की ओपनिंग नहीं लेगी, बल्कि ये 35 से 40 करोड़ तक भी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इस मूवी का क्रेज़ चल रहा है ना, एक अलग ही लेवल का क्रेज़ है, चाहे वो बुक माई शो पर हो, 10K से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं, इंटरेस्ट हो चुके हैं इस मूवी को बुक माई शो पर। वहीं अब इस मूवी को लेकर क्रिटिक्स भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये मूवी 110% 35 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करने वाली है, अगर इस मूवी का ट्रेलर पब्लिक को पसंद आ जाता है और इस मूवी के VFX पब्लिक को पसंद आ जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल भोला मूवी को लेकर क्रिटिक्स ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जो कि आप देख सकते हैं जो जुजिंदर तेजा ने खुद ट्वीट करते हुए ये लिखा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो को देख सकें।